गाइस वेलकम बैक। मैं आरती और स्वागत करती हूँ फिर से। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नई जॉब्स की अपडेट लेकर। और आज की अपडेट जुड़ी है फिरोजाबाद सिटी की। तो जो भी कैंडिडेट वहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर सोच रहे हैं वहाँ जॉब करना, तो डेफिनेटली आप इन वैकेंसी को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अपने सुटेबल जॉब के बारे में। और एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि इन इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एक्चुअली हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश होती है कि जो भी कैंडिडेट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर घर पे फ्री बैठे हैं और ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनको इजिली जॉब स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करा सके। तो बिना देर के मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट से। सो रिक्वायरमेंट एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की है। और इसके लिए बता दो आपकी कंडीशंस जो है कि आपके पास कम से कम इस वर्क फील्ड में 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। टाइमिंग आपकी स्कूल टाइमिंग ही रहेंगी और सैलरी हम डिस्कस करेंगे इसके आपकी इंटरव्यू के दौरान ही। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एक सुपरवाइजर की है और रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर। सो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो प्लस टू या ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए प्रेफर किए गए हैं। इसके साथ साथ फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट जो इस वर्क के लिए प्रेफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एक सिविल इंजीनियर की है और रिक्वायरमेंट एक कंपनी में है। बात करें आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियर फील्ड में। और इसके साथ साथ अगर आपका पहले से ही इस फील्ड में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए कैपेबल रहेंगे। जी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आप इसे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी एसोसिएट की, तो बात करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो इसके लिए आपके पास 1 से 3 साल का HRO फील्ड में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जी हाँ, आपने एज एन HR पहले से काम किया अगर, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें जो वर्क शिफ्ट हो सकती है आपकी, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट दोनों ही तरह की हो सकती है, यानी कि फ्लेक्सिबल आपके जो है शिफ्ट चल सकते हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे उनकी डे शिफ्ट हो या फिर नाइट शिफ्ट हो, दोनों भी उनको एडजस्ट करना पड़ सकता है। और इसके लिए आपके स्किल्स में बता दूं तो आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑल ओवर वर्क रहेगा वो कंप्यूटर्स के ड्यूरिंग रहेगा। जी हाँ, कंप्यूटर्स के अंदर ही आपको सारा काम करना पड़ सकता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इन सब की प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और बात करें आपकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपका ऑफिस टाइम ही रहेगा इसमें। और अगेन मैंने आपको बताया क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट दोनों ही हो सकती है, तो प्लीज जो कैंडिडेट दोनों ही शिफ्ट प्रेफर करें वो ही इस वैकेंसी को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ वैकेंसी थी। अगर आपको लगता है सुटेबल वैकेंसी कोई भी या फिर मैच करती है आपके प्रोफाइल से, तो डेफिनेटली इनको अप्लाई कर सकते हैं। वरना प्लीज इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिए करें, हो सकता है कि आपके छोटे से शेयर से किसी और के जॉब मिल सके। थैंक यू।